Hey guys, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में, और मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि है सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। और जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्स के डेट अनाउंस हो गए हैं, सो अब बहुत जरूरी है कि आप इन सारे वीडियोज को अच्छे तरीके से देखें। और भी बहुत सारे वीडियोज आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आपको हमारे चैनल पे जाना है जिसका नाम है कॉमर्स ई पाठशाला, कॉमर्स जहाँ पे आप अभी हो, कॉमर्स ई पाठशाला में आपको चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको विजिट करना है हमारे चैनल पे जिसका नाम है, जिसमें प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 तक की और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7 तक की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप हमारे चैनल के ऊपर पहुंच सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब स्टार्ट करना है। यूट्यूब में आपको टाइप करना है कॉमर्स ई पाठशाला, राइट। आप जैसे ही कॉमर्स ई पाठशाला टाइप करेंगे आपको सजेशन आ जाएगा, नहीं भी आता है तो आप टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करेंगे सबसे पहला जो चैनल आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो हमारा चैनल है, जिसमें 18,000 सब्सक्राइबर है, मतलब 18,000 स्टूडेंट्स को अभी तक जो है बेनिफिट मिल चुका है हमारे चैनल के माध्यम से। तो कॉमर्स ई पाठशाला नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं भी जाते हो, आपको स्क्रीन पे ही सबसे पहले दिख रहा होगा आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 5 यहाँ पे दिख रहा है। ये एरो वाले निशान पे आप क्लिक करोगे आपको आईबीओ 6 भी दिख जाएगा, एमसीओ 1, एमसीओ 3, एमसीओ 4, एमसीओ 5, एमसीओ 6, एमसीओ 7, ये सारी के सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जहां पे एटलीस्ट 20 से 25 वीडियोस हैं। और भी वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तो ढेर सारी वीडियोस हो जाएंगी आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टडी करनी है, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इन सारे वीडियोज को देखें ताकि आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं, सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंड्स के बारे में। तो फंड्स हम किसे कहेंगे, तो फंड्स का मतलब यहाँ पे है पैसों से, ठीक है ना। आपके पास जो पैसे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं और इसका इस्तेमाल किस तरीके से आप कर रहे हो, उसी को कहा जा रहा है सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स, राइट। So now let's start the topic. You have learned that funds represent that portion of the current asset which is not financed by current liability but is financed from the long-term non-current sources. So funds किसे कहा जाता है? Funds उसे कहा जाता है जिसका इस्तेमाल जो है, मतलब जिसको हम finance current liability के through नहीं करते हैं। जैसे कि suppose हम लोगों ने loan ले लिया, आपको पता है कि loan हमारा current liability होता है ना, तो वहां से जो पैसे हम आएंगे उसका इस्तेमाल जब हम अपने business में करेंगे तो हम उसे fund नहीं बोलेंगे, है ना, उसे हम fund नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारे लिए liability है। हमारे पास जब पैसे हमारे लॉन्ग टर्म करेंट सोर्सेस से आएंगे, सपोज कोई ऐसा सोर्स है जैसे कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट है, वहां से मुझे कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ फंड्स आ रहे हैं, इसका मैं इस्तेमाल वापस से बिजनेस में लगा रहा हूँ सारे पैसों को, तो उसको आप फंड्स बोल सकते हो। तो जो लॉन्ग टर्म नॉन करेंट सोर्सेज आपके पास है, अगर आपके पास वैसे सोर्सेज से फंड्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जिसका आप फाइनेंस कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो उसे हम कहेंगे फंड्स, राइट। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, दैट पोर्शन ऑफ करंट एसेट, ये वो पोर्शन ऑफ करंट एसेट होता है जिसका इस्तेमाल, विच इज नॉट फाइनेंस्ड बाय द करंट लायबिलिटी, जिसका इस्तेमाल करंट लायबिलिटी को के द्वारा फाइनेंस करके नहीं करवाया जाता, बट इज फाइनेंस्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म नॉन करंट सोर्सेज, बट उसको जबकि उसको फाइनेंस करवाया जाता है लॉन्ग टर्म और नॉन करंट सोर्सेज से, है ना। आई होप कि आपको फंड्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट एज एंड व्हेन चेंजेस टेक्स प्लेस इन द करंट आइटम्स रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द नॉन करंट आइटम्स द नेट वर्किंग कैपिटल विल बी अफेक्टेड। यहाँ पे क्या बात बोली गई, यहाँ पे ये बात बोली गई कि जब भी किसी भी तरह का चेंज होता है करंट आइटम्स में, है ना, फ्रॉम अ चेंज इन द नॉन करंट आइटम्स, नॉन करंट आइटम्स में करंट आइटम्स में कुछ चेंज हो रहा है जिसका रीजन जो है नॉन करंट आइटम्स का चेंज होना कहा गया है, तो उसका असर जो है हमारे वर्किंग कैपिटल के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे बोली जा रही है वर्किंग कैपिटल विल बी अफेक्टेड, द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ओनली नॉन करंट, मतलब जिसको नॉन करंट लॉन्ग टर्म एसेट बोला जा रहा है, द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ओनली नॉन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अलोन विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, है ना। तो जो नॉन करंट एसेट्स आपके होंगे, जो भी उसमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा या फिर जो भी आपकी लायबिलिटीज होगी, वही एकमात्र जो भी चीजें हैं सिर्फ उसी का इस्तेमाल जो है आपके फंड्स के एप्लीकेशन में किया जा सकता है, या फिर उसे हम उसी को सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोल पाएंगे, है ना। जो भी आपके लॉन्ग टर्म एसेट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसमें जो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, बाकी सबको हम फंड नहीं डिनोट कर सकते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, डेफिनेटली।
तो आपको अगर पता करना है कि आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं, तो फिर आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है ना कि आपको इतने पैसे मिले, आपने यहाँ खर्चे किए, कुछ वहाँ खर्चे किए। तो इसको पता करने के लिए आपको एक नेसेसरी एक स्टेटमेंट आपको तैयार करना होता है। यहाँ पे बात बोली जा रही है कि फंड का फ्लो को पता करने के लिए आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना होगा, है ना, जहाँ पे आप पता करोगे कि आपके पास कौन कौन से सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं, उन पैसों का इस्तेमाल जो आप किस किस सोर्सेज में कर रहे हो, किस किस जगह पे कर रहे हो। लेट अस नाउ आइडेंटिफाई द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब हम बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। द सोर्स ऑफ फंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज। अब इसको दो भाग में बांट सकते हो, एक है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स रेफर टू सोर्स ऑफ फंड्स फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, मतलब ऐसे सोर्सेज जो कि आपके बिजनेस के बाहर से आपको पैसे ला के दे रहे हैं, है ना, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है रेजिंग एडिशनल कैपिटल, आपने एडिशनल कैपिटल रेज करा बाय बाय सेलिंग योर ओनरशिप, मतलब इक्विटी आप जो आपने सेल करके आप जो है वहां से पैसे आपने इकट्ठा करा, तो वो भी एक्सटर्नल सोर्स हो गया, है ना। इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने लॉन्ग टर्म में कोई जो है लोन ले लिया, लोन अगर आप लॉन्ग टर्म में ले रहे हो 4 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो उससे जो पैसे आपने रेज करे वो भी आपका एक्सटर्नल सोर्सेज से हो गया, है ना। लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म जैसे मैंने वहां पे कह रहा था ना कि करंट नहीं होनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए, नॉन करंट होनी चाहिए। सी नंबर बोल रहा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपका कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है या फिर आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आपने उसे सेल कर दिया, तो उससे जो पैसे आए ये सारे के सारे आपके सोर्सेज हैं। अब इंटरनल के बारे में बात करें तो इंटरनल क्या होगा, तो इंटरनल सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ फंड्स दैट आर जनरेटेड इंटरनली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे सोर्सेज जहां से फंड्स का जनरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि जिसके सोर्सेज जो है इंटरनल है, मतलब आपकी कंपनी के अंदर ही कोई ऐसे सोर्सेज है जहां से आप पैसे जनरेट कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैं करके बताता हूँ। एवरी प्रॉफिटेबल सेल ब्रिंग्स इन फंड्स to the extent of the excess of sales revenue over cost of goods sold. सिंपल सी बात है, मतलब आप अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, मतलब कोई भी प्रॉफिटेबल सेल, जब आप 100 रुपए का सामान 150 रुपए में बेच रहे हो, आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट जो भी आपका होता है उसका इस्तेमाल अगर आप बिजनेस को फाइनेंस करने में करते हो, फंड उस फंड का अगर इस्तेमाल करते हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम इंटरनल सोर्स ऑफ फंड कहेंगे, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने बिजनेस के अंदर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली गई कि प्रॉफिटेबल सेल ब्रिंग्स इन फंड्स, जो कि पैसे ला रहा है आपके लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्सेस ऑफ विच सेल्स रिवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपने 100 रुपए का सामान बेचा, उसमें से 50 रुपए का आपको फायदा हुआ, मतलब एक्चुअल दाम जो था वो 50 रुपए का था, तो 50 रुपए का आपको फायदा हुआ, आपने उसी पैसे को वापस से लगा दिया। सच प्रॉफिट्स कॉल्ड फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अब इस तरह के प्रॉफिट्स को बोला जाता है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स। आई होप कि आपको ये सोर्स ऑफ फंड्स क्लियर हो गया होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एलाबोरेट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब आपके पास जब पैसे आ गए, तो अब मेन काम है आपका उस फंड्स को इस्तेमाल करना। अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, गलत जगह पैसे लगा दोगे, तो आपका बिजनेस भी डूब जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फंड का एप्लीकेशन जो है वो आपकी सही जगह होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। इट मे बी नोटेड दैट ऑल द फंड्स रेज थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज आर नॉट नेसेसरली अप्लाइड फॉर फाइनेंसिंग द इंक्रीज इन द नेट वर्किंग कैपिटल। तो ऐसा देखा जाता है मैक्सिमम टाइम कि जो भी पैसे आप इंक्रीज करते हो, आई मीन जो भी पैसे आप रेज करते हो बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज, आप उसका इस्तेमाल बिजनेस के वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए नहीं करते हो, ये बात भी यहाँ पे बोली गई है। A substantial part, मतलब एक अच्छा खासा part of this amount may be utilized for purchasing the fixed asset. अब देखो long term से आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप उसको networking capital में उस पैसे का उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उससे fixed asset खरीद रहे हो। It may be utilized for purchasing the fixed asset. Redemption of debentures, debentures आप लोगों ने बांट के रखे हैं, उसका redemption आपको करना है, तो उसके लिए आपने उस पैसे का इस्तेमाल किया। Preference share लोग लेते हैं, तो preference share भी आपने sell करके रखा हुआ है, तो उसका भी आपको एक तरीके से redemption करना होगा। Payment of dividend, आपने employees को, sorry, जो आपके shareholders हैं, आपने उनको dividend दे दिया। And meeting losses from operations, और किसी भी तरह का loss अगर आपको किसी operation से हो रहा है, किसी काम से हो रहा है, तो फिर आप उस loss को cover करने के लिए आप long term fund का इस्तेमाल करते हो। तो जो application का fund है, application of funds, उसमें देखो clearly ये बात बोली गई कि जो भी पैसे आप long term sources से इकट्ठा कर रहे हो, उसको आप networking capital को finance करने में उसका इस्तेमाल आप नहीं करोगे या नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, है ना। उसका मैक्सिमम जो काम है वो नया फिक्स्ड एसेट खरीदने में, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को रिडेम्पशन करने में,
पेमेंट ऑफ डिविडेंड में और किसी भी तरह का लॉसेस अगर आपको किसी ऑपरेशन में हो रहा है तो उसको कवर अप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग टर्म फंड्स का, है ना, अगर होता है तो, इफ एनी अगर होता है। इनफैक्ट वॉट एवर इज लेफ्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फॉर दिस पर्पस विल बी अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर फाइनेंसिंग द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब जो पैसे बच गए ये सारे काम करने के बाद जो अब आपके पास पैसे बचे हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने में या इनहेंस करने में, है ना। तो यहाँ पे फाइनली पॉइंट वाइज जो है आपको इसका फंड्स का इस्तेमाल आपको बताया जा रहा है वन बाय वन। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, अब पॉइंट्स वाइज देख लेते हैं क्या 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 होता है। जो मैंने ऊपर बताया उसी को आप तोड़ दो। सबसे पहले तो आपने आपने फिक्स्ड एसेट परचेस कर लिया, लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट को ही कर दिया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, है ना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मीटिंग लॉसेस फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो ये वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, बस पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो देखो आंसर को बड़ा करने का तरीका क्या होता है, अपने आंसर को डिटेल में लिख दिया फिर उसको पॉइंट वाइज लिख दिया तो आंसर ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। एग्जाम में आपको इसी तरीके से अपने आंसर को बड़ा बड़ा करके लिखना होगा ताकि टीचर को लगे कि भाई आपको बहुत कुछ पता है ना। नहीं भी पता है फिर भी ये टेक्निक होती है लिखने की, है ना। छठा पॉइंट है फाइनेंसिंग द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। देखो जो भी मैंने पॉइंट्स ऊपर में बताए थे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया गया है। मतलब सोचो ये कितने चालाक हैं ये लोग, इवन एक्चुअल बुक में भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो रिजल्ट एग्जाम में क्यों नहीं होगी। तो यही बात है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। भाई पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करो हमारे वीडियोस को ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच पाए, उनकी भी एग्जामिनेशन ठीक तरीके से हो पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।